हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज टॉक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक बहुत ही अमेजिंग यूरोपियन सीरीज जो कि आइसलैंड के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है काटला। जी हाँ दोस्तों, काटला एक वॉल्केनो का नाम था जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में आइसलैंड में एक इरप्ट हुआ था एक बार, और उसके बाद ही ये उसके ऊपर ही सीरीज को बेस किया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये सीरीज कैसी है, क्योंकि इसके ट्रेलर जब आउट हुआ था इसका नेटफ्लिक्स पर काफी हाहाकार मचा था, क्योंकि ये सीरीज काफी यूनिक लग रही थी और आज ही रिलीज हो चुकी है। कैसी है आपको मैं बता देता हूँ, आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो जैसा मैं आपको स्टोरी के बारे में बता रहा था, एक वॉल्केनो की इरप्शन हुआ था, जो वॉल्केनो का नाम था काटला था। उसके सामने एक विलेज सिचुएटेड है जिसका नाम है विक। वहां के लोग वहां रहते थे, और जिस दिन ये वॉल्केनो की इरप्शन हुई थी, ग्रीमा की बहन एक कैरेक्टर है जो कि डिसअपीयर हो गई थी। और इस सीरीज की शुरुआत होती है ठीक उसके एक साल वॉल्केनो इरप्शन के एक साल बाद, जब वहां के लोग रहते हैं और वॉल्केनो से इरप्ट हुई मटेरियल ग्लेशियर्स में जम जाती है। आइसलैंड आप नाम से समझ ही गए होंगे, अगर आपको पता भी होगा बर्फ ही बर्फ है वहां पर। तो जी हाँ दोस्तों, वॉल्केनो इरप्शन के बाद वहां पर जो है सारी मटेरियल सेटल अप हो गए थे, और एक साल बाद वहां पर लोगों को इसके इफेक्ट्स दिखने लगे थे। बहुत सारी चीज होती है, वो क्या होती है बिल्कुल स्पॉयलर्स नहीं देने वाला आपको, लेकिन बहुत ही सस्पेंसफुल ड्रामा और बहुत थ्रिलिंग चीजों से भरपूर सीरीज है, आपको इतना ही बता सकता हूँ फिलहाल के लिए। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि वॉल्केनिक इरप्शन के बाद मैक्सिमम लोग उस गांव के वहां से शिफ्ट होकर कहीं और चले जाते हैं, और उस गांव में बहुत ही कम लोग बचते हैं। एक साल बाद जब वो लड़की वापस आती है, उसके बाद बहुत सारी अनयूजुअल चीजें स्टार्ट होने लग जाती है। वो क्या होती है वो आप इस सीरीज में ही देखिएगा। बाकी इस सीरीज की स्टोरी अभी तक शायद आपको अच्छी लग रही हो, तो आप इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये सीरीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा वर्थ वॉचिंग है। और दोस्तों, दूसरी और अच्छी चीज है इस सीरीज के बारे में बताएं तो, इस सीरीज के डायलॉग्स वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सीरीज की डायरेक्टिंग के बारे में मैं दाद देना चाहूंगा, इतने बेहतरीन तरीके से इसे शूट किया गया है कि लिटरली आपको कोई कोई सीन्स पर गूज बम्स आ जाएगा। सीरीज आपको काफी इमोशनल भी कर देने वाली है, और लिटरली आपको रोंगटे खड़े कर देगी सीरीज के कुछ कुछ सीन। दोस्तों, इससे ज्यादा तारीफ नहीं करने वाला, आप समझ ही गए होंगे 8 एपिसोड की सीरीज है, इसे जरूर देख सकते हैं आप। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर अपने फीडबैक्स बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। इसी के साथ हम जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।